वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे JF2D जो मशीन है, ब्राज़ील का ये मशीन है, भारत में इंपोर्ट करता है कंपनी और डेयरी सेक्टर में क्रांतिकारी काम करता है। ये हरा चारा भी काट लेता है इसके द्वारा, यहाँ से हरा चारा इनलेट में डालते हैं और यहाँ से मसाला भी पीस लेते हैं और यहाँ से आटा पीसना है, दारा दरना है, तो ये सब तरह का काम करता है। और इसके साथ ही मशीन जो है बहुत फास्ट काम करती है। इसमें 3 HP का सिंगल फेस मोटर लगा हुआ है, JF2D का मॉडल लगा हुआ है जो मशीन है। इसमें स्टैंड भी है, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने जगह के अनुसार। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो मीटर लगा हुआ है वो जो है सेटिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिक से, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, आप ये मशीन से हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें हरा चारा इसके अंदर डालते हैं तो ये अपना काम करता है, पूरा हरा चारा को काट लेता है। प्लस इसको दारा दरना है, मक्का गेहूँ मसाला पीसना है, आटा पीसना है, कुछ भी करना है, ये सारा काम सिर्फ चलनी बदलना होता है। ये यहाँ पे चलनी लगा है, थोड़ा सा आगे आना, और ये चलनी बदलना रहता है, चेंज करना रहता है। ये चलनी को आप चेंज कर दीजिए तो ये जो है दोबारा दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मसाला पीस रहे उसका चलनी अलग है, जैसे आटा पीस रहे, जैसे देखिए इन चलनियों को चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये हरा चारा काटने वाला चलनी है, इसको लगाने के बाद हरा चारा काट सकते हैं। और ये जो है दारा दरने वाला है, और जो आटा पीसने वाला है वो मशीन के अंदर लगा हुआ है, और हरा चारा इधर से कटता है, और जो मक्का है गेहूं है या फिर ये साइलेज बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तरह तरह के साइलेज बना करके आप इसके कटिंग के द्वारा, जैसे आप गाजर काट लीजिए या किसी भी चीज़ को काट के साइलेज में बचा हुआ सब्जी को काट के सूखा घास के साथ मिक्स करके साइलेज बना सकते हैं। हरा घास भी कटता है, मक्का का जो छिलका सहित जो मक्का का जो वो होता है उसको भी आप इसमें क्रश्ड कर सकते हैं। तो तरह तरह के चीज़ों पे, कई तरह के चीज़ पे काम करता है, जो एक डेयरी में क्रांतिकारी काम है और कई तरह के काम में ये कारगर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अलविदा, फिर मिलते हैं।